इंडिया और अमेरिका से इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और गुजराती की खबरों के एकमात्र पोर्टल इंडियन टाइम्स डेली डॉट कॉम पर आपका स्वागत है। इसमें आपको स्थापित व्यवसायों और साधनों की जानकारी भी मिलेगी। मैं हूं संस्कृति शंकर और आज की मुख्य खबरें हैं। भारत में सुप्रीम कोर्ट कुलीजियम ने उच्च न्यायालय में जज के तौर पर डायरेक्ट नियुक्ति के लिए वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा के नाम की सिफारिश की और आयकर विभाग ने जाली मालिकों की 900 से भी ज्यादा बेनामी संपत्ति जब्त की। अमेरिका में ग्रीन कार्ड आवंटन के सालाना 45% की बढ़ोतरी वाला बिल पेश और अमेरिकन्स को चेतावनी दी गई है कि वे भारत की यात्रा करते समय सतर्क रहें। हमारे साथ जुड़े रहें दोस्तों, हम भारत और अमेरिका की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। इंडियन टाइम्स डेली में आपका फिर से स्वागत है और भारत की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने हाई कोर्ट में जज के तौर पर डायरेक्ट नियुक्ति के लिए वरिष्ठ वकील इंदु मल्होत्रा के नाम की सिफारिश की है, जहां पिछले 68 वर्षों में सिर्फ 6 महिलाओं को जज बनाया गया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस KM जोसेफ के नाम की भी सिफारिश की है। आयकर विभाग ने जाली मालिकों की 900 से भी ज्यादा बेनामी संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें फ्लैट, दुकानें, गहने और वाहन शामिल हैं, जिसकी कीमत करीब 3,500 करोड़ आंकी जा रही है। इसमें 2,900 करोड़ सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टीज की कीमत है। आईटी और रियल्टी सेक्टर की वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग से जुड़ी ऑप्टिमिज्म ने गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी को अब तक की सबसे रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। सेंसेक्स 70.42 अंकों का उछाल लेती हुई 34,503.49 पर पहुंच गया और निफ्टी 10,651.20 पर बंद हुआ। यूनियन शिपिंग मिनिस्टर नितिन गडकरी ने मुंबई के विकास परियोजनाओं में बाधा डालने के लिए भारतीय नौसेना को खरी खोटी सुनाई, जिसमें नारिमन पॉइंट में फ्लोटिंग जेटी बनाने की योजना का विरोध भी शामिल है। हाल ही में सी प्लेन सर्विस चालू करने के लिए वहां एक जेटी और एक फ्लोटल बनाने के लिए एक प्राइवेट बिल्डर के आवेदन को सिक्योरिटी वजहों से खारिज कर दिया गया। भारत ने पहली बार इस बात की पुष्टि की है कि पिछले महीने बैंकॉक में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल की उनके पाकिस्तानी काउंटर पार्ट नासिर खान जानजुआ की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में मुख्य रूप से आतंक से कैसे लड़ा जाए और सीमा पार आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, इस पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लॉ मेकर्स और पॉलिटिशियंस के खिलाफ मामलों में तेजी लाने की शुरुआत हाईकोर्ट से ही की जानी चाहिए। उन्होंने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की याचिका पर 13 मार्च से सुनवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं। आर्मी डे परेड से पहले अभ्यास के दौरान हुई एक दुर्घटना में सेना के 3 जवान घायल हो गए। ये जवान हेलीकॉप्टर से लटक कर करतब दिखा रहे थे और जिस बूम पर रस्सी बंधी थी उसमें खराबी आ जाने की वजह से वह नीचे गिर पड़े। इस दुर्घटना की जांच की जा रही है। निष्कासित और जेल में बंद AIADMK लीडर VK शशिकला के पति M नटराजन ने CBI की अदालत में सरेंडर कर दिया है। उन पर ब्रिटेन से एक लग्जरी कार इंपोर्ट करने के दौरान ड्यूटी ना भरने का मामला दर्ज है। IAF चीफ एयर मार्शल BS धनोया ने IAF की एक टीम का सम्मान किया, जिसने अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे शिखर माउंट विंसन पर जाकर झंडा फहराया। IAF दुनिया की पहली एयरफोर्स है जिसने हर कॉन्टिनेंट के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचकर अपना झंडा फहराया है। अभिनेत्री काजोल स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत अभियान की एडवोकेसी एम्बेसडर बन गई हैं। वह हाइजीन से जुड़ी बीमारियों की वजह से हो रही मौतों को खत्म करने की समर्थक रही हैं, जिन्हें सही उपचार से बचाया जा सकता है। उनके पति और अभिनेता अजय देवगन ने उनकी इस उपलब्धि पर अपनी खुशी जाहिर की है। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, हम अमेरिका की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। IndianTimesDaily.com में आपका फिर से स्वागत है और अमेरिका की मुख्य 10 खबरें इस प्रकार हैं। US रिपब्लिकन लॉ मेकर्स ने एक इमिग्रेशन बिल की जानकारी सार्वजनिक की है, जिसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त है। इस बिल से उन 690,000 युवाओं को, जिन्हें ड्रीमर्स के तौर पर जाना जाता है, देश में कानूनी रूप से रहने का मौका मिलेगा, पर उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी।
भारत में बढ़ते अपराध और आतंकवाद की वजह से यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने वहां जाने वाले अमेरिकन्स को सचेत रहने के लिए कहा है। डिपार्टमेंट ने यूएस ट्रैवलर्स के साथ जानकारी साझा की और अमेरिकन से कहा है कि वह जम्मू और कश्मीर में बुद्धिस्ट डोमिनेटेड रीजन लद्दाख को छोड़कर कहीं भी जाना अवॉइड करें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को कनाडा और मेक्सिको से होकर यूएस में हो रही ओपियोइड एनाल्जेसिक की तस्करी को रोकने के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत उन्हें $9 मिलियन का ग्रांट मिलेगा। ये पहल फेंटेनिल की तस्करी रोकने के लिए उठाया गया है, जिसे क्रिमिनल ग्रुप्स हीरोइन का असर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अमेज़न के CEO जेफ बेजोस दुनिया के आज तक के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। बेजोस का नेटवर्थ $106 मिलियन पहुंच गया है और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स दूसरे स्थान पर हैं, जिनका नेटवर्थ करीब $92 बिलियन है। लेकिन गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के 700 मिलियन शेयर्स दान में दे दिए हैं, जिनकी वैल्यू आज के हिसाब से करीब $61.8 बिलियन होंगी। कैलिफोर्निया में बाढ़ और मडस्लाइड्स की वजह से मरने वालों की संख्या 17 हो गई है और यूएस अधिकारी कम से कम और 20 लापता लोगों की तेजी से खोज कर रहे हैं। सांता बारबरा के काउंटी शेरिफ बिल ब्राउन ने कहा कि मोंटेसीटो में इस डिजास्टर की वजह से 28 लोग घायल हो गए हैं। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक विवादास्पद फॉरेन सर्वेलियंस प्रोग्राम को 6 साल तक बढ़ाए जाने की अनुमति दे दी है, जिससे सरकार बिना किसी वारंट के फॉरेन इंटेलिजेंट टारगेट्स के बारे में बातचीत जमा कर सकती है। यह कानून अब सीनेट में पेश किया जाएगा और उम्मीद है कि वहां ज्यादातर सीनेटर्स इसके समर्थन में ही वोट देंगे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 साल के अंतराल के बाद मंगलवार को पहली बार हुई इंटरकोरियन बातचीत में उन्हें काफी पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिली है। ट्रंप ने यह भी कहा कि आगे बहुत सी पॉजिटिव चीजें होने की संभावना है। चाइना के फॉरेन एक्सचेंज के स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात से इनकार किया कि देश यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स की खरीदी को कम करने या रोकने की कोशिश कर रहा है। रेगुलेटर ने फॉरेन रिजर्व के इन्वेस्टमेंट के लिए चाइना के उन प्रोफेशनल मैनेजमेंट को डिफेंड करते हुए कहा कि वह सब कुछ मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से कर रहे हैं। जर्मनीज ऑटोमेकर्स टोयोटा और माजदा ने घोषणा की है कि वह अलबामा में 1.6 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से एक जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने जा रहे हैं। यह प्लांट 2021 तक चालू हो जाएगा, जहां हर साल 300,000 कार्स बनाई जाएंगी और 4,000 लोगों को नौकरी मिलेगी। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सफलतापूर्वक एक बहुत बड़े थर्मल वैक्यूम चेम्बर में क्रिटिकल टेस्टिंग पूरा कर लिया है, जिससे वह 2019 में स्पेस के बहुत ही ठंड और बिना हवा के वातावरण में भी काम करने के लिए तैयार हो गया है। यह इंजीनियर्स और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक बैरियर ब्रेकिंग मिशन है, जिससे वह हमारे सोलर सिस्टम्स की मिस्ट्रीज को सुलझा पाएंगे। इसी के साथ हमारा न्यूज़ बुलेटिन अब समाप्त होता है। आप इंडियन टाइम्स डेली पर लॉकडाउन रहें, क्योंकि आगे हम लेकर आ रहे हैं बॉलीवुड की खबरें। इसके अलावा आप इस पोर्टल पर अकाउंटिंग फर्म से लेकर वेडिंग प्लानर्स तक सभी अमेरिकन बिजनेसेस और रिसोर्सेज को ढूंढ सकते हैं। इंडियन टाइम्स डेली में हम सब चाहते हैं आपका आज का दिन शुभ एवं खुशगवार गुजरे। Filmmaker Ram Gopal Varma has shot a video titled God, Sex and Truth with American porn star Mia Malkova in Europe, and he says it is an elevating and thought-provoking experience. Ram Gopal Varma on Thursday took to Twitter to share the first look of the video. This is not GST as in tax, but GST as in God, Sex and Truth. I shot this with Mia Malkova, the second adult actress after Sunny Leone to be shot by a feature filmmaker, God, Sex, Truth, he tweeted. Varma further added, "Hey Mia, it was such an elevating and thought-provoking experience to film God, Sex, Truth. I never shot with Sunny Leone, but will never forget the experience of shooting God, Sex and Truth." Mia also thanked the Sarkar Helmer and said that it was an exhilarating experience for her. Acclaimed actress Vidya Balan will play former Prime Minister Indira Gandhi on screen in a project based on journalist author Sagarika Ghosh's book.
Indira, India's most powerful prime minister. I'm happy to have acquired the rights to Sagarika Ghosh Indira because I have always wanted to play Indira Gandhi. I haven't decided yet whether it should be a film or a web series, but that will take a while anyway, Vidya, a National Award winner, said in a statement. The book is a no-holds-barred biological portrait that looks for answers to lingering issues, from why Indira Gandhi revoked the emergency to her son Sanjay's curious grip over her, and from her bad marriage and love affairs to her dangerous religious politics.